Hey friends, welcome back to the channel. In this video, I will talk about all of the things I learned in my pediatric rotation. As you all know, pediatric department has different subdivisions like pediatric nursery, pediatric emergency, pediatric OPD, ward, HDU, ICU and all of their different components. I spent the initial days of my pediatric rotation in pediatric nursery and pediatric emergency. पीडियाट्रिक नर्सरी में वो सब बच्चे ट्रीटमेंट के लिए आते थे जिनकी एज ऑलमोस्ट 1 or 2 ऑलमोस्ट 30 डेज़ होती है. ये वो मोस्टली वो बच्चे होते हैं जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई होती है या वो प्री मेच्योर होते हैं, प्री टर्म होते हैं, उनके लंग्स प्रॉपर डिवेलप नहीं हुए होते और उनको वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, या फिर वो बच्चे होते हैं जिनकी ड्यूरिंग डिलीवरी कोई कॉम्प्लिकेशन हुई होती है, उनकी जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग हो गया होता है, या फिर उनको कोई मीकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम होता है या उनकी कोई ब्रेन में एबनॉर्मेलिटी आई होती है. सो इस तरह के सारे बच्चे जिनकी ये एज लिमिट होती है वो पीडियाट्रिक नर्सरी में आते हैं. इन द सेम टाइम आई वॉज वर्किंग इन द पीडियाट्रिक एमरजेंसी एज वेल. पीडियाट्रिक एमरजेंसी में 1 year टू ऑलमोस्ट 14 ईयर्स जितनी भी इस एज ग्रुप के बच्चे हैं वो सब पीडियाट्रिक एमरजेंसी में आते हैं. अलॉन्ग विद ऑल ऑफ द पीडियाट्रिक एमरजेंसी केसेज, एक हॉस्पिटल में जब भी सारे सी सेक्शन हो रहे होते हैं तो हर सी सेक्शन में एक पीडियाट्रिशियन भी अवेलेबल होता है, क्योंकि जैसे ही सी सेक्शन होता है उसके फौरन बाद जो इनिशियल असेसमेंट होती है बेबी की वो एक पीडियाट्रिशियन करता है. सो इन द स्टार्ट में एक पीडियाट्रिक नर्सरी में पीडियाट्रिक एमरजेंसी में साइड बाई साइड वर्क कर रहा था. इन द पीडियाट्रिक नर्सरी आई लर्न ऑल ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ द वेंट, एक वेंट को किस तरह वर्क करते हैं, किस तरह चलाते हैं. एक वेंटिलेटर के डिफरेंट मोड्स होते हैं जैसे कि कंट्रोल वेंटिलेशन, असिस्टेड वेंटिलेशन, प्रेशर कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल एंड मोस्ट ऑफ द SIMV मोड होता है, सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन. जो बच्चे होते हैं जिनके लंग्स प्रॉपर डिवेलप नहीं हुए होते लेकिन वो थोड़ा बहुत वर्क कर रहे होते हैं, सो उनके साथ सिंक्रोनाइज करके जो आप उनको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं वेंट से, ये काफ़ी पॉपुलर हॉस्पिटल में यूज़ होता है. इसकी डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं कि प्रेशर कंट्रोल आपने कितना रखना है, वॉल्यूम कंट्रोल, FiO2 की वैल्यू क्या रखनी है, तो इस तरह की डिफरेंट वैल्यूज़ आप वेंट में सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन ऑफ द बेबी, और उसके अकॉर्डिंग वो वेंट को रन करते हैं. फिर आप पेशेंट को ना मॉनिटर कर रहे होते हैं कि उसकी ब्रीदिंग सही है या नहीं है. इन द पीडियाट्रिक नर्सरी यू आर डूइंग वाइटल मॉनिटरिंग ऑफ द बेबी एज वेल, कि एट अ गिवन मोमेंट बेबी की हार्ट रेट क्या है, उसकी रिस्पायरेटरी रेट क्या है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, वो साइनोज़ तो नहीं हो रहा, इस तरह की ना आपने उसका चेक रखना होता है ऑन द बेबी, क्योंकि नर्सरी के अंदर पेशेंट्स की फैमिली अटेंडेंट्स मदर फादर अलाउड नहीं होते. ये एक बेसिक प्रोटोकॉल होता है नर्सरी का, क्योंकि ये जो डिफरेंट लोग होते हैं ये अगर नर्सरी में आए तो ये अपने साथ जर्म्स लेके आते हैं और वो काफ़ी स्टेराइल इन्वायरमेंट आपने नर्सरी में रखना होता है. सो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बात नर्सरी में होती है कि आप ही बेबी को मॉनिटर कर रहे हैं इन एट अ गिवन मोमेंट, क्योंकि बेबी इतने छोटे होते हैं कि वो आपको खुद नहीं बता रहे होते कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे सांस सही नहीं आ रहा या इस तरह कोई इशू हो रहा है. आपने उनके असेस करना होता है हर ऑर्ली के उसकी हार्ट रेट ठीक है, कोई इशू तो नहीं है. अगर एक अडल्ट हो वो बीमार हो तो उसके साथ अटेंडेंट्स होते हैं, उसको कोई भी इशू हो तो वो अटेंडेंट आके आपको बता देते हैं कि डॉक्टर साहब उसको ये इशू हो रहा है आप देख लें, लेकिन बेबी के साथ कोई भी नहीं होता. तो आपको ना बड़ा चैलेंजिंग और बहुत अटेंशन टू डिटेल के साथ ना बेबी को देखना पड़ता है इन द पीडियाट्रिक नर्सरी. सो इन द स्टार्ट मैंने पीडियाट्रिक नर्सरी में ये डिफरेंट वेंट्स के मोड्स वगैरह सीखे और बेबी को एक मॉनिटर किस तरह करते हैं वो सीखा. उसके साथ साथ आपने ना बेबीज़ की सैम्पलिंग करनी होती है, लाइक अगर आपने बेबी का कोई टेस्ट करवाना है उसके लिए आप उसका वीनस ब्लड सैंपल लेंगे, आप आर्टेरियल ब्लड सैंपल लेते हैं, तो ये जो कैनुलेशंस होती हैं, ABGs करने होते हैं, वीनस कैथेटराइजेशन करनी होती है, ये आप सब ना पीडियाट्रिक नर्सरी में सीखते हैं. उसके बाद कुछ बेबीज़ होते हैं जिनमें आपको मेनिनजाइटिस का डाउट होता है या वायरल इंसेफ्लाइटिस का डाउट होता है, तो आपने उनके अंदर उनका लंबर पंचर करना होता है. इसमें सिंपल एक प्रोसीजर होता है, आप बेबी की जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से एक सैंपल लेते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का, उसका एक प्रोसीजर होता है, बेबी को एक पोजीशन में रख के फिर आप वो एक कैनोला के जरिए इंसर्ट करके वो एक सैंपल लेते हैं. तो आप पीडियाट्रिक नर्सरी में ये सीखते हैं. व्हेन यू आर वर्किंग इन द पीडियाट्रिक एमरजेंसी तो आपको गायनी ऑपरेशन थिएटर से ना कॉल्स आती हैं कि एक सी सेक्शन हो रहा है और बेबी डिलीवर होने वाला है, आप आके बेबी को असेस कर लें. तो आप बेबी को असेस करने जब जाते हैं तो वो एक सी सेक्शन बेसिकली हो रहा होता है, जैसे ही वो बेबी डिलीवर होता है तो वो आपको बेबी पकड़ा देते हैं एंड नाउ यू आर द पीडियाट्रिशियन, आपने फर्दर बेबी को असेस करना है. एंड व्हेन यू सीन द मूवीज़ के वो जो डॉक्टर हैं वो बेबी को इस तरह उल्टा करके इस तरह थप्पड़ वगैरह मार रहे हैं या चेक कर रहे हैं, सो दैट्स बेसिकली अ पीडियाट्रिशियन डूइंग ऑल ऑफ दैट स्टफ. इन द स्टार्ट मैं एक सीनियर डॉक्टर के साथ जाता था इस तरह कॉल्स अटेंड करने गायनी की, और मैं देखता था कि वो क्या कर रहे हैं. एंड आफ्टर 5 to 6 कॉल मुझे जब पता लग गया कि किस तरह असेस करना है, फिर मैं अकेले जाता था इस तरह गायनी ऑपरेशन थिएटर में कॉल्स असेस करने. अब मैं बेसिकली इफ़ आई टेल यू अ स्टोरी, तो मैं एक गया हूँ कॉल अटेंड करने, लाइक मेरी 6 या 7 कॉल थी, तो वो एक बेसिकली सी सेक्शन हो रहा है, जैसे सी सेक्शन में से उन्होंने बेबी को आउट किया है वूम के अंदर से, उन्होंने फ़ौरन पकड़ा दिया कि वेयर इज़ द पीडियाट्रिशियन. तो वो काफ़ी स्ट्रेसफुल पीरियड होता है आपके लिए, आपको बेबी पकड़ाते हैं, आप फ़ौरन बेबी को पकड़ के वहाँ पर एक वेंट का एरिया अवेलेबल होता है प्रॉपर सैनिटाइज, उधर बेबी को रखते हैं
और आप फॉरन बेबी को असेस करते हैं कि कोई इशू नहीं है. सो इफ आई कैन रिकॉल एक केस ऐसा था जिसमें जो लेबर थी और वो जो प्रोसेस ऑफ डिलीवरी था वो काफ़ी प्रोलॉन्ग हो गया था. उसमें जब बेबी उन्होंने आउट किया तो वो बेबी बिल्कुल क्राई नहीं कर रहा था और आपने ना फ़ौरन से कोशिश ये करनी थी कि बेबी किसी तरह क्राई कर जाए. क्राई करने का मतलब है कि बेबी सांस ले रहा है, उसकी रिस्पिरेशन नॉर्मल है, तो वो बेबी क्राई नहीं कर रहा था. तो मैंने उस बेबी को फ़ौरन पकड़ा, वो साइनोसा हो रहा है. सो मतलब कि इट्स एन एमरजेंसी सिचुएशन कि आपने फ़ौरन बेबी को क्राई करवाना उसकी लाइफ सेव करने के लिए. सो आई स्टार्टेड कि मैंने बेबी को ना CPR करना स्टार्ट किया. पहले मैंने उसकी सक्शनिंग की. वो सक्शनिंग होती है कि फ्लूइड होता है ना इन द वूम, वो बेबी के मुंह में अक्सर चला जाता है और वो लंग्स को ब्लॉक कर सकता है. तो आप फ़ौरन बेबी की सक्शनिंग करते हैं थ्रू द माउथ, थ्रू द नोज़, कि वो फ्लूइड अगर इकट्ठा हुआ है तो वो बाहर आ जाए. वो बाहर आ जाता है तो उसके बाद आप बेबी के कमर पर इस तरह हाथ वगैरह मारते हैं क्योंकि फ्लूइड वगैरह है, तो वो बाहर आ जाए. वो करने के बावजूद फिर आप देखते हैं कि बेबी अब क्राई वगैरह करेगा, उसको थोड़ा हिलाते वगैरह हैं, तो वो अगर नहीं क्राई कर रहा तो फिर इट्स मीन कि आपने फ़ौरन से एमरजेंसी मेजर्स लेने हैं और उसका आप CPR करना है. फिर वो पोस्ट नेटल असेसमेंट, ये सब जो इनिशियल असेसमेंट होती है बेबी की, ये पोस्ट नेटल असेसमेंट और CPR में आती है. सो मैंने वो पोस्ट नेटल असेसमेंट कर ली, सक्शन वगैरह कर ली, लेकिन बेबी क्राई नहीं कर रहा. फिर मैंने उसकी हार्ट बीट चेक की विद हेल्प ऑफ माय स्टेथोस्कोप, तो उसकी हार्ट बीट थी लेकिन थोड़ी माइल्ड सी थी, ब्रेडी में लग रहा था बेबी. तो फ़ौरन मैंने उसका उधर ही ऑन स्पॉट CPR स्टार्ट किया बिकॉज आई हैव लर्न के CPR बेबीज़ का किस तरह करते हैं. इट्स अ लिटल बिट डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट लेकिन जनरली वही होता है. CPR किया साथ में उसको एम्बू बैगिंग से हम सांस दे रहे हैं, तो इस तरह लाइक 3 to 4 minutes किया एंड द बेबी स्टार्टेड क्राइंग. सो वो इतनी एक रिवॉर्डिंग मोमेंट थी कि बेबी कम टू लाइफ, तो आपको ना इतना अच्छा फील होता है कि यू जस्ट सेव द लाइफ. अगर आप इस तरह ना करते हैं तो क्या पता कि बेबी की जान खतरे में पड़ जाती. सो वो मुझे आज भी याद आता है कि द फर्स्ट टाइम आई रिवाइव्ड अ बेबी. उसके बाद इस तरह के फ्यूचर में भी कॉल्स आती रही, हम बेबीज़ को जाके देखते रहे. तो इनिशियल असेसमेंट करके एफगार्ड एक स्कोर होता है, वहाँ पे एफगार्ड स्कोर लिखते हैं. इनिशियली आप विटामिन के इंजेक्शन बेबी को लगा लेते हैं और इनिशियल असेसमेंट करके अपने नोट्स ऐड करके आप फिर एमरजेंसी में वापस आके अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं और पेशेंट को देख रहे होते हैं. पीडियाट्रिक एमरजेंसी में आप मोस्टली वो केसेस देख रहे होते हैं जो या तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ बेबीज आते हैं या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ आते हैं या UTI पेशेंट को हुआ होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या उनकी एब्डोमिनल पेन होती है, या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का कोई पेशेंट होता है जिनकी इंसुलिन जो होती है उन्होंने नहीं लगाई होती, डोज मिस की होती है और शुगर बहुत ज़्यादा हाई हुई होती है एंड दे आर लाइक इन अ स्टेट ऑफ हाइपरवेंटिलेशन. उनकी कीटोन बॉडीज होती हैं पॉजिटिव उनके यूरिन सैंपल में. सो इस तरह के बच्चों को आपने फ़ौरन मैनेज करना होता है. फिर कोई ट्रॉमा का केस आ जाता है तो उस तरह के बच्चों को आपने मैनेज करना होता है. फिर अलॉट ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स लाइक मसल पेन्स होती हैं बच्चों को, किसी की वो मसल स्पैज्म हो जाते हैं, इस तरह की जो भी सारी एमरजेंसी केसेस होते हैं आप उनको पीडियाट्रिक एमरजेंसी में डील करते हैं. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग इन द पीडियाट्रिक इन पेशेंट वर्सेज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी पीडियाट्रिक OPD वर्सेज पीडियाट्रिक वार्ड. पीडियाट्रिक OPD में आप वो सब केसेस देख रहे होते हैं जो हॉस्पिटल में आते हैं किसी कंप्लेन के साथ, लाइक बच्चे को बुखार है साथ में खांसी होती है, तो आप वो बच्चे को असेस करते हैं कि बच्चे को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है. आप फीवर की कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं, फिर आप डिफाइन करते हैं कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स का इन्फेक्शन हो सकता है, कौन सी एंटीबायोटिक आपने उनको किस कंडीशन में देनी है. जो सारे केसेस होते हैं जो कि OPD में मैनेज हो सकते हैं, लाइक पेशेंट काफ़ी ज़्यादा सीरियस नहीं है लेकिन उसको एक प्रॉब्लम है, तो आप वो पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका डायग्नोसिस बना के अगर आपको कोई इन्वेस्टिगेशन लाइक ब्लड कल्चर्स, यूरिन कल्चर्स, CBC, LFT, RFT, सीरम, लगे डिफरेंट टेस्ट होते हैं, एक्सरेज वगैरह, अगर आपको करवाने की ज़रूरत है आप भी करवा लेते हैं, वरना आप एग्जामिनेशन में बच्चे की जब चेस्ट सुनते हैं विद द हेल्प ऑफ योर स्टेथोस्कोप, सो डायग्नोस्टिक स्टेथोस्कोप, जब उसकी चेस्ट सुनते हैं तो आपको पता लग जाता है कि क्रैप्स आ रहे हैं, कोई फाइन है, कोर्स हैं, या भी कंसोलिडेशन तो नहीं है. इस टाइप की जो फाइंडिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंग आप अपना डायग्नोसिस बना के जो मेडिकेशन उसको एडवाइस करते हैं. आई लर्न ऑल ऑफ दैट इन द पीडियाट्रिक OPD. उसके बाद आप सीखते हैं कि डिफरेंट प्रेजेंटिंग जो डायग्नोसिस होते हैं उनकी कंप्लेंट्स क्या होती हैं, किस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करते हैं और किस तरह की कंप्लेंट में आपको एक माइंड आपका बनता है कि ये प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है. तो ये आप सारी स्किल्स सीखते हैं. फिर आप यही सीखते हैं कि कुछ पेशेंट आते हैं आउट पेशेंट में पीडियाट्रिक OPD में जिनकी कंडीशन काफ़ी सीवियर होती है एंड यू असेस दैट कि इनका जो ट्रीटमेंट है ना वो घर में वो नहीं कर सकते, इनको ना एक हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत है और इनको एडमिशन करवाना पड़ेगा इन द हॉस्पिटल. सो यू लर्न दैट इन द पीडियाट्रिक OPD के किन पेशेंट को आपने हॉस्पिटल में एडमिट करना है इन द वार्ड और फिर ये हॉस्पिटल में आपने इनको केयर प्रोवाइड करनी है इन पेशेंटली. सो आप वो सब सीखते हैं पीडियाट्रिक OPD में. उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन द पीडियाट्रिक वार्ड, आई लर्न के पीडियाट्रिक वार्ड में वो कौन से पेशेंट्स आ रहे हैं जिनका एडमिशन हो रहा है, जिनको घर में ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता और उनको हॉस्पिटल में हम एडमिट कर रहे हैं, जिसमें मोस्टली नमूनिया के पेशेंट्स होते हैं
हैं जिनका सुई एंड मुनिया डेवलप हुआ होता है और उनके क्रैप्स होते हैं चेस्ट के ऊपर, उनकी प्रॉपर आपको अंदाज़ा हो रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सिक पेशेंट है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, कोई एपिलिप्सी के पेशेंट्स आ जाते हैं। एपिलिप्सी इज़ आर डिज़ीज़ जो ब्रेन की होती है और उसमें आप एंटी एपिलिप्टिक ड्रग्स देते हैं, उसकी कॉजेज़ आप सीखते हैं कि किस वजह से बच्चों को एपिलिप्सी हुई हुई है। कुछ लोगों को स्कार एपिलिप्सी होती है, कुछ पेशेंट्स सीपी चाइल्ड होते हैं जो कि जिनकी ड्यूरिंग बर्थ कोई कॉम्प्लिकेशन हुई होती है, डिलेड उनकी बर्थ होती है तो उनके ब्रेन में प्रॉब्लम हुई होती है जिससे वो सीपी चाइल्ड हो जाते हैं। फिर उनकी मैनेजमेंट किस तरह आप करते हैं, उनको किस तरह से मैनेज करना, किस तरह से आपने काउंसलिंग करनी होती है, इस तरह के डिफरेंट इन पेशेंट जो केसेस होते हैं वो आप सब पीडियाट्रिक ओपीडी में सीखते हैं। उसके बाद पीडियाट्रिक वार्ड में आप उनको मैनेज भी करते हैं जो उनसे इन पेशेंटली जिनको डील करना होता है। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग इन द पीडियाट्रिक आईसीयू, एंड पीडियाट्रिक आईसीयू में इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी वही पेशेंट्स वही बेबीज आते हैं जिनको इंटेंसिव केयर की जरूरत होती है, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, लाइक दे आर एट द वर्ज ऑफ कलेप्सिंग। सो पीडियाट्रिक आईसीयू में वो सब सीरियस पेशेंट को आप डील करते हैं। वहाँ पर आईसीयू में भी वेंट्स अवेलेबल होते हैं, किसी भी टाइम किसी भी पेशेंट को कलेप्स हो सकता है, उसका रेस्पिरेशन जो है इंटरप्ट हो सकती है, उसकी ब्रीदिंग सेचुरेशन ड्रॉप कर सकती है। फिर डिफरेंट ट्यूब्स अवेलेबल होती हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब्स अवेलेबल होती हैं इन द पीडियाट्रिक आईसीयू। अगर कोई पेशेंट कलेप्स कर गया तो आपने उसको इंट्यूबेट करना होता है, इट्स मीन आप एंडोट्रेकियल ट्यूब पास करते हैं उस पेशेंट को, फिर आप वेंट के साथ उसको अटैच कर देते हैं और वेंटिलेटरी सपोर्ट आप पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। आई लर्न ऑल ऑफ दैट इन पीडियाट्रिक आईसीयू। एक दो दफ़ा ऐसा हुआ भी था कि पेशेंट कोलैप्स किया और आपको उनको एंडोट्रेकियल ट्यूब पास करनी पड़ी, एंड आई पास दैट। आई स्पेंड द लास्ट डेज ऑफ माई पीडियाट्रिक रोटेशन इन पीडियाट्रिक ऑनकोलॉजी वार्ड एंड पीडियाट्रिक डेंगी वार्ड। व्हेन आई वाज डूइंग माय पीडियाट्रिक रोटेशन तो पाकिस्तान में जो डेंगी फीवर था ये काफ़ी ज़्यादा इसके केसेस आ रहे थे, और भाई जब एंडिंग डेज आए थे इतने ज़्यादा डेंगी केसेज आए थे कि हमने एक प्रॉपर वार्ड डेडिकेट कर दी थी जिसमें सिर्फ डेंगी पेशेंट्स को ही हम ट्रीट कर रहे थे। अब जब डेंगी पेशेंट सारे आ रहे थे हमारे पास तो एक टिपिकल कंप्लेन होती थी उनका, फीवर की हिस्ट्री होती थी 5-6 दिनों की, साथ में उनकी पूरी बॉडी एक ही होती थी, उनको पेन हो रही थी, मसल पेन्स होती थी और ऑर्बिटल पेन होती थी उनको, इस तरह की कंप्लेंट्स होती थी उनके। हम ब्लड टेस्ट करवाते थे सिंपल सीबीसी, उसमें प्लेटलेट्स उनके इतने ज़्यादा ड्रॉप किए होते थे। सो 100 से अगर आपके प्लेटलेट ड्रॉप करें तो इट्स एन इंडिकेशन ऑफ एडमिशन, तो आपको एडमिट कर लेते हैं हॉस्पिटल में। फिर आपको वहाँ पर फ्लूइड्स जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और साथ में आप पैनाडोल जो सिंपल पैरासीटामोल है आप ये पेशेंट को दे रहे होते हैं, उसकी पेन रिलीफ कर रहे होते हैं, और इसका एक प्रोग्रेशन होती है लाइक 7-8 डेज लगते हैं इसको रिकवर होते हुए। तो उस डेज में आप पेशेंट को एडमिटेड रखते हैं, उसको फ्लूइड देते रहते हैं और पैरासीटामोल आप देते रहते हैं उसको, और फिर सर्टेन डेज के बाद आप उसकी सीबीसी रिपीट करवाते हैं, और अगर उसके प्लेटलेट्स 100 अबव चले जाते हैं इसका मीन क्या वो रिकवरी फेस में जा रहा है, फिर आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। सो ये जो डेंगी कंप्लीट मैनेजमेंट थी इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में सीखा और मैंने देखा कि किस कंप्लेंट के साथ आ रहे हैं। फिर आप ये सीखते हैं कि प्लेटलेट्स किस हद तक ड्रॉप करते हैं तो पेशेंट्स को ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। एक ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हो जाए जिसमें कि प्लेटलेट बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गया, फिर आप FFP इस पेशेंट को इन्फ्यूज़ करवाते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो प्लेटलेट्स होते हैं, या मेगा किट्स अरेंज करवा के वो पेशेंट को लगाते हैं ताकि उसके प्लेटलेट्स अब्रप्टली राइज करें, नहीं तो ब्लीडिंग होती रहती है और उससे पेशेंट कोलैप्स भी कर जाता है। पीडियाट्रिक ऑनकोलॉजी वार्ड इट्स लाइक काइंड ऑफ आर डिप्रेसिंग वार्ड। जब मैं उधर गया तो मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनको कैंसर हुआ है। ऑनकोलॉजी में सारे ही कैंसर पेशेंट्स होते हैं, किसी को रेटिनोब्लास्टोमा है, किसी को डिफरेंट किस्म का कैंसर है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कीमोथेरेपीज चल रही हैं, रेडियोथेरेपीज चल रही हैं, उनके किसी के बाल गिर रहे हैं, तो आपको ना उधर बड़ा हैप्पी रहना पड़ता है, आपको ना उनको मोटिवेटेड रखना पड़ता है बच्चों को, उनको एक होप दिखानी पड़ती है कि नहीं दे कैन फाइट विद इट, दे कैन सर्व, आपको बार बार रिमाइंड करवाना पड़ता है उन बच्चों को। सो आई स्पेंड लाइक 1 वीक इन द ऑनकोलॉजी वार्ड। डिफरेंट कैंसर्स में आप कौन सी कीमोथेरेपी देती, कीमोथेरेपी में कौन कौन सी ड्रग्स से कॉम्बिनेशन आप यूज़ करते हैं, आई लर्न ऑल ऑफ दैट इन दैट वार्ड। उसके अलावा फिर आप ये देखते हैं कि रेडियोथेरेपी होती है उसके कितने सेशंस होते हैं और ये किस तरह से इनका कंप्लीट प्रोटोकॉल होता है, वो किस तरह से फॉलो होता है और कितनी रिकवरी के चांसेस होते हैं, किस तरह से आपको पता लग रहा होता है कि पेशेंट के स्टेम सेल्स जो हैं वो डाई कर रहे हैं और जो कैंसरस सेल है वो डाई कर रहे हैं, और जो इनका बैलेंस है स्टेम सेल और जो कैंसरस सेल है उनमें किस तरह से रिकवरी आ रही है, ये सब आप सीखते हैं। सो आई लर्न ऑल ऑफ दैट इन दैट वार्ड। सो एज अ होल वर्किंग इन द पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट वॉज अ ग्रेट ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज जब आप एक बच्चे को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके ठीक करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है उसकी लाइफ के ऊपर, बिकॉज उसकी आगे पूरी जिंदगी बची होती है। सो ये काफ़ी रिवार्डिंग एक्सपीरियंस भी होता है, एंड स्पेशली इन द पीडियाट्रिक नर्सरी या पोस्टनेटल असेसमेंट ऑफ द चाइल्ड, जब आप बच्चे को रिवाइव करते हैं तो आपको इतना रिवार्डिंग एक्सपीरियंस फील होता है ना कि द चाइल्ड जस्ट केम टू लाइफ, यू फील लाइक अ मैजिशियन लिटरली। जब आप इस तरह रिवाइव करते हैं ना तो आपको लगता है कि भाई
देयर इज समथिंग इनसाइड यू, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इंपैक्ट किया किसी की लाइफ को. वन मोर थिंग आई कैन से कि जो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स आप प्रिस्क्राइब करते हैं अडल्ट्स को और बच्चों को, उसमें डोज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. बच्चों को आप कम डोज में ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं, उनकी कंप्लीट एक डोज कैलकुलेशन का तरीकाकार होता है. सो अगर आप पीडियाट्रिक रोटेशन नहीं करेंगे और पीड्स में आप काम नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि आपने कितनी डोज में कौन सी एंटीबायोटिक बच्चों को एडवाइस करनी है, कौन से आपने पेन किलर्स बच्चों को एडवाइस करनी है, बिकॉज यू कैन नॉट प्रिस्क्राइब ऑल द पेन किलर्स यू प्रिस्क्राइब टू अडल्ट्स इन द चाइल्ड पॉपुलेशन. लेकिन अगर आपके पास पीडियाट्रिक मेडिसिन का भी एक्सपोजर हो तो आपको ना वो जो एक चंक ऑफ पॉपुलेशन होता है चिल्ड्रन का फ्रॉम लाइक 1 ईयर टू लाइक 14 ईयर्स, आप उसको भी कवर कर लेते हैं इन योर प्रैक्टिस. अगर आपने पीडियाट्रिक्स ना की हो तो आपको काफ़ी डिफिकल्ट होता है उस चंक ऑफ पॉपुलेशन को मैनेज करना, वरना आप रेफर कर रहे होते हैं पीडियाट्रिक डॉक्टर्स के पास या चिल्ड्रन हॉस्पिटल में. लेकिन आई थिंक पीडियाट्रिक रोटेशन करने से वो भी आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को भी मैनेज कर सकते हैं. सो दिस वॉज बेसिकली अ जनरलाइज ओवरव्यू ऑफ ऑल ऑफ द थिंग्स आई लर्न इन माई पीडियाट्रिक रोटेशन. आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू ऑल एन इनसाइट वट आर द थिंग्स आई लर्न ड्यूरिंग दिस रोटेशन, वट आर द प्रोसीजर्स आई परफॉर्म, वट टाइप ऑफ पेशेंट आई सी एंड वट टाइप ऑफ स्किल्स एज अ मेडिकल डॉक्टर आई लर्न इन माई रोटेशन. आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन द थिंग्स आई लर्न इन माई जनरल सर्जरी रोटेशन, इन माई ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी रोटेशन एंड ऑन माई इंटरनल मेडिसिन रोटेशन इन द फ्यूचर होपफुली. Hope you get something out of it and learn something new. If you did, subscribe to the channel and follow me on Instagram to see more content like this. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye-bye.